ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार हो रही बारिश से मुंब्रा में कई जगह पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से शहर में पानी भरा हुआ है। ठीक से गटर नालों की सफाई ना होने की वजह से पानी गटर से बाहर सड़कों पर बह रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी सड़कों पर पानी जमा है। अगर ठीक तरह से गटर और नालों की सफाई की गई होती तो शायद सड़कों पर इतना पानी जमा नहीं होता। इसी तरह मुंब्रा के घास कंपाउंड में बारिश की पानी के तेज बहाव की वजह से एक दीवार गिर गई, मगर इसके बावजूद स्थानीय नगर सेवकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी दीवार बनाई कि बारिश के शुरुआत में ही ये टूट गई। क्या इस दीवार बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो ये दीवार बारिश के शुरुआत में ही कैसे गिर गई? आखिर बार बार यहाँ की दीवार क्यों गिरती है? किस तरह के काम मुंब्रा में हो रहे हैं जो कभी भी दीवार गिर जा रही है, और इसके लिए जवाबदार से पूछा जाए तो वो दूसरे से पूछो कि बात कहकर टाल देते हैं। हम आपको बता दें कि मुंब्रा के नगर सेवक सानू पठान से इस दीवार गिरने के बारे में जब पूछा गया तो पहले उन्होंने कहा कौन सी, और जब उनको समझ में आ गया कि घास वाले कंपाउंड की दीवार, तो उन्होंने दूसरे नगर सेवकों से पूछने की बात कही, यानी कि पूरी तरह से बताने से इनकार कर दिया। और कुछ अच्छा अगर होता है तो मैंने किया कहकर सामने आते हैं, और जब दुखद घटना होती है तो इससे नहीं पूछो उससे पूछो कहते हैं। सुनिए फोन पर बातचीत के दौरान शानू पठान ने क्या कहा है। तो मैं बोल रहा था कि जो दीवार गिरी है घास कंपाउंड में, तो कितने महीने पहले बनी थी वो दीवार? जो है हाँ। दो साल पहले गिरी थी हाँ। पीडब्ल्यूडी का जब काम चालू था हाँ, वो पिछले तो साल नीचे दीवार गिरी थी, तो वहाँ के अपने वहाँ के स्थानिक अपने नगर सेवक विद्राम राव साहब ने उसको रिपेयरिंग कराए थे। नई दीवार नहीं बनाई थी हाँ। रिपेयरिंग कराए थे हाँ। तो शायद वही रिपेयरिंग से करी हुई दीवार कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ ही पूरा दीवार गिर गया है वो बारिश की वजह से। हाँ, बारिश की वजह से पहले ही गिरा था फाउंडेशन पूरा, तो गिरा और जितना पानी आता था ना हाँ। दीवार को रिपेयरिंग कर रहे इब्राहिम भाई ने, तुम इब्राहिम भाई को फोन करेंगे तो बराबर प्रॉपर बताएंगे। अच्छा, इब्राहिम भाई का नंबर है? करो ना इब्राहिम भाई को ना। अश्विन का नंबर है नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, इब्राहिम भाई का नंबर है। अश्विन भाई को फोन करो ना, अश्विन मैडम को, उनका नंबर नहीं नंबर दो। सोचने वाली बात यह है कि नगर सेवक चार हैं और घटना होने के बाद लापरवाही या गलती का जिम्मेदार एक दूसरे को बनाने में लगे हैं। इनसे पूछ लो उनसे पूछ लो ये कहा जा रहा है। बहरहाल दीवार कैसे गिरा, कितना मजबूत बनाया गया था, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप खुद कितना लापरवाह है कुछ नगर सेवक। लापरवाह इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ कहते हैं हमने ये किया हमने वो किया, लेकिन मुंब्रा कौसा के गटर नालों की सफाई का जिम्मेदार आखिर कौन है? आमदार हैं या नगर सेवक हैं या फिर ठाणे महानगर पालिका है? किसकी है ये जिम्मेदारी जो नहीं ठीक से गटर और नाले साफ हुए हैं? ये मुंब्रा के नगर सेवकों की लापरवाही नहीं तो और क्या है? नालों में पानी बहने के बजाय नाले कचरों से जाम पड़े हुए हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।